नमस्कार दोस्तों, कैसेक्रीन.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोशॉप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे फोटोशॉप के बारे में कि कैसे जो है वो आप सेकंडों में अपनी किसी भी फोटो को वाटर कलर पेंटिंग जैसा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के काम में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो है वो अपनी फोटोज़ को फोटोशॉप का प्रयोग करके आसानी से जो है वो वाटर कलर पेंटिंग में जो बदल सकते हैं। आज हम इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियाँ जानते रहना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन। अगर वो लाल कलर में है और आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है उसको दबा करके सफ़ेद कलर में उसको चेंज कर दीजिए और हमें जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो आने वाले समय में इस तरह की खास और रोचक जानकारियाँ इसी तरह मिलती रहे। और अगर आप जानना चाहते हैं अभी कि कैसे जो वो हम लोग हमारी फ़ोटो को वाटर कलर पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लाइक बटन जो है वो अभी के अभी दबा दीजिए और उसके बाद ओपन कर लीजिए अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जा करके फ़ोटोशॉप को। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ओपन कर लीजिए फ़ोटोशॉप को। जैसे ही आपका ओपन हो जाता है फ़ोटोशॉप, वहाँ पर जो है वो आपको जो है वो क्लिक करना है फाइल पे और ओपन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं, आपसे जो वो लोकेशन मांगी जाती है जहाँ पर आपकी फ़ोटो है, तो आप जो अपनी फ़ोटो को चुन लीजिए और ओके जो ओपन पे जो वो क्लिक कर दीजिए। अब अपनी फ़ोटो को जो है वो आप कंट्रोल एम करके हल्का सा जो है वो ब्राइटर बना लीजिए, यानी कि उसके थोड़े कलर जो है वो अच्छे कर लीजिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्रॉप दबा करके उतना स्पेस जो है वो आप रख लीजिए जितना आप जो है वो फ़ोटो के अंदर रखना चाहते हैं। तो अपना फ़ोटो जो जितना स्पेस रखना चाहते हैं वो रख दीजिए और उसके बाद एंटर जो है वो दबा दीजिए। यहाँ पर जैसा कि आप बिल्कुल देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने जो है वो एंटर दबा दिया है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। ये है हमारी ओरिजिनल फ़ोटो। यहाँ पर हमें जो है वो वाटर कलर का इफेक्ट देना है, तो हमें जाना है फिल्टर में और वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा आर्टिस्टिक का। आर्टिस्टिक में क्लिक करने के बाद हमें नीचे नीचे एक वाटर कलर का ऑप्शन मिलता है, हम क्लिक कर लेते हैं इसको। जैसे ही हम वाटर कलर को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें जो है वो फ़ोटो का हल्का हिस्सा जो है वो दिखाया जाता है। हम इसे माइनस में करके जो है वो छोटा करके भी देख सकते हैं कि हमारा हिस्सा जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे 3 तरह की डिटेलिंग होगी, जो डिटेल हम जो है वो अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि ब्रश की डिटेल जो है वो कितनी होनी चाहिए और शेडो जो है वो कितनी होनी चाहिए पेंटिंग में। तो आप जो है वो शेडो आदि को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्सचर को भी जो थोड़ा सा आप एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्सचर को एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा जो है वो शेडो को ऊपर नीचे करके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। जैसा यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, वैसा ही बिल्कुल हल्का इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है इसको हल्का एडजस्ट कर लीजिए और शेडो जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। कम करने के बाद आप प्रेस कर दीजिए ओके बटन पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ओके बटन पे, आपके सामने यहाँ पर फिल्टर जो है वो चल रहा है बिल्कुल नीचे और प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। प्रोसेसिंग के बाद आपकी फ़ोटो जो है वो बिल्कुल आपके सामने वैसी ही तैयार हो जाएगी जैसी वाटर कलर पेंटिंग में जो वो हम लोग करते हैं। जहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने जो वो फिल्टर होकर के बिल्कुल जो है वो आ चुकी है। हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं क्योंकि इसमें शेडोनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कंट्रोल जेड करने से ओरिजिनल फिल्टर जो है वो हो जाएगा वापस क्लियर। यहाँ पर आर्टिस्टिक में जाइए, वापस जो वाटर कलर में चले जाइए, वहाँ से जो है वो शेडो को बिल्कुल थोड़ा सा कम रहने देते हैं, ब्रश की डिटेलिंग जो वो कम कर देते हैं और यहाँ पर जो वो टेक्सचर को भी जो वो हम कम कर देते हैं। टेक्सचर को जो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, कम करना अच्छा नहीं है, और डिटेलिंग जो वो थोड़ी कम कर देते हैं और उसके बाद क्लिक क्लिक कर देते हैं ओके पर। 1 सेकेंड, थोड़ी शेडो जो है वो हल्की और कम कर ली जाए तो और अच्छा जो है वो इफेक्ट आएगा, और ओके जो वो हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जो वो आपके सामने बिल्कुल फिल्टर जो है वो अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई करके आसानी से जो है वो अपनी फ़ोटोज़ को वाटर कलर पेंटिंग यानी वाटर कलर का जो इफेक्ट है वो दे सकते हैं। इससे जो है वो आपकी फ़ोटोज़ देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। इन्हें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहां मर्जी चाहें आप जो है वो इनको शेयर कर सकते हैं और इनको जो अपनी एज ए प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सेव करने के लिए आपको फ़ाइल में जाना है, सेव या सेव एज पे क्लिक करना है और वहाँ पर जो अपनी फ़ाइल का नेम जो है वो दे देना है और क्लिक कर देना ओके पे।
आपसे क्वालिटी पूछी जाएगी, फिर ओके कर दीजिए, और उसके बाद जो है वो आप आसानी से अपनी फ़ोटोज़ को जो है वो वाटर कलर इफेक्ट में जो है वो चेंज कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी। आप जो है वो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की खास जानकारियाँ जो है मिलती रहे। लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर बटन पर क्लिक करके फेसबुक आदि का चुनाव करके अपने उन दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिए जो बहुत सारे फोटोजेनिक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको क्या नई जानकारी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।